रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए कस्टमर बनाने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने बताया कि यह कदम पेटीएम बैंक में कुछ चिंताजनक गड़बड़ियों की आशंका पर उठाया गया है। साथ ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के आईटी ऑडिट का आदेश भी दिया है। शुक्रवार 11 मार्च को आरबीआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कुछ ठोस निगरानी चिंताएं पाए जाने के बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत उसके नए कस्टमर जोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निर्देश दिया गया है कि वो अपने आईटी सिस्टम की व्यापक जांच के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करे। केंद्रीय बैंक ने साफ कहा है कि आईटी ऑडिट रिपोर्ट देखने और उसकी समीक्षा के बाद ही बैंक को नए ग्राहक जोड़ने की इजाजत दी जाएगी। इधर जानकारों का कहना है कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से पेटीएम के आम पेमेंट्स ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फिलहाल वो नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा। अगर आईटी ऑडिट में कोई गंभीर खामी या लापरवाही सामने आती है तो बैंक के सामान्य ऑपरेशंस के लिए भी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। अभी दो दिन पहले ही खबर आई थी कि विजय शेखर शर्मा की अगुवाई वाला पेटीएम पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए मई में आरबीआई के पास आवेदन करेगा। ऐसे में आरबीआई की हालिया पाबंदी के बाद बैंक के विस्तार योजनाओं को बड़ा झटका लगा है। नियमों के मुताबिक SFB लाइसेंस के लिए किसी भी बैंक का कम से कम 5 साल पुराना होना जरूरी है। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी, तब से अब तक बैंक के खिलाफ KYC नियमों के उल्लंघन, डेटा प्राइवेसी और कस्टमर्स बैंक लिंकिंग को लेकर छोटी मोटी शिकायतें आती रही हैं, लेकिन रेगुलेटर के स्तर पर अभी तक कोई बड़ी पाबंदी देखने को नहीं मिली थी। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर 2021 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में गड़बड़ियों के आरोप में उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि नए ग्राहक जोड़ने पर रोक के फैसले को कड़ा कदम माना जा रहा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओर से हाल ही में बताया गया था कि दिसंबर 2021 में बैंक ने 92.6 करोड़ UPI ट्रांजेक्शन रिसीव किए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें साल दर साल तेजी से इजाफा हो रहा है। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी प्रमोद ने। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं विजय। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का हटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।